चलिए रुक करते हैं अब सरस आजीविका मेला की तरफ। राजधानी नई दिल्ली में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल का उद्घाटन करने केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने देश के पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इस मेले के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव से खास बात की केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते ने। आइए सुनते हैं। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित फूड फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते पहुंचे हैं। इन्होंने देश की विविधता में एकता के दर्शन करवाते कई इस तरह के स्टॉल पे विजिट की और यहां पर आके इन्होंने खाने का भी लुत्फ उठाया है। अभी आप राजस्थानी बाजरे की रोटी खा रहे हैं, सर कैसा लग रहा है इस फेस्टिवल में? यही आनंद है जीवन का। जब हम फेस्टिवल की बात करते हैं, हमने इसको लॉन्चिंग किया है और हमने सभी लोगों के लिए सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई है। मैं स्वयं ये बाजरे की रोटी खा करके मुझे बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। हमने सभी स्टॉलों में देखा अलग अलग तरीके, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग फूड की व्यवस्था हमने किए है और लोगों को ये सुविधाएं प्रोवाइड कराना हमारा एक लक्ष्य बना है, जिससे देश की हमारी एसएजी ग्रुप्स की जो माता बहनें हैं उनकी संख्या और उनका इजाफा भी बड़ी संख्या में हुई है। उसके पीछे आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि स्थानीय प्रोडक्ट, स्थानीय लोगों को अवसर देना, स्थानीय उत्पादन उसको बढ़ावा देना, उसका एक अच्छा उदाहरण है। गांव में बहुत सारे आज भी ऐसे उत्पाद है जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन वो पहुंच से दूर है। आपने इस तरह का एक प्लेटफार्म दिया है जो ऐसी माता बहनों को यहाँ दिल्ली में आने का अवसर मिला है और उनके उत्पाद बिकेंगे तो निश्चित तौर पर उनका बाजार भी बढ़ेगा। इससे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना कितनी मजबूत होगी? देखिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और लोग आर्थिक दृष्टि से भी सक्षम हो रहे हैं, क्योंकि स्थानीय जो भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में कभी लोग चिंता नहीं करते थे। हमने प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हमने किया है फूड के लिए, उनके स्टेवर्स के लिए। इस तरह के मेलों में डिजिटल प्लेटफार्म की बात कितनी महत्वपूर्ण रहेगी? देखिए, ये एक हमने इसको डिजाइन किया और लोगों के सामने एक प्रकार का है, हमने सिम्बॉलिक इसको एक उदाहरण के तौर पर इस मेले का हमने अपने किया है कि लोगों को कैसा हम मार्केट उपलब्ध कराना, इसकी व्यवस्था आज लॉन्चिंग भी हमने किया, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी, जहां पर भी है जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको सीधे हम इससे जोड़ेंगे। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते, जिनका मानना कि सरस आजीविका मेले के जरिए एक और जहां ग्रामीण भारत की सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को अपने उत्पादों और खाद्य पदार्थों की राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने का अवसर मिल रहा है, वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत के जरिए देश की विविधता में एकता के दर्शन कराने का सुनहरा मौका भी मिल रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन महेश के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज दिल्ली। और वक्त छोर से ब्रेक का पापा, ये सब हाँ जो चीजें